नमस्कार भाई दोस्तों, क्या होता है 18 मार्च को एकदम से अचानक से लाइट कैमरा एक्शन और पूरी गोदी मीडिया और पूरा सब कुछ लग जाता है, पूरा तंत्र लग जाता है। यहाँ देखा गया, वहाँ देखा गया, मतलब 23 अप्रैल तक इतना बड़ा फिल्म बना दी कि इतनी टीआरपी ली आपने, तो फिर आगे भी तो बताना चाहिए ना उनका कि आगे क्या चल रहा है। कुछ साथी सवाल कर देते हैं कि बताया था, कोई मामला अगर अदालत में चलता है ना तो उसमें सबूत पेश किए जाते हैं, गवाही होती है, सब कुछ होता है, ये आप चीज लोगों को पता होना चाहिए। इतनी जल्दी किसी चीज़ से आप अगर कोई आरोप लगाना बहुत आसान होता है, आरोप साबित करना मुश्किल होता है, उस आरोप से फिर वापस निकलना भी मुश्किल होता है, मुश्किल हो जाता है, कोई एक बार लगा के साइड में हो जाता है। आप सही समझ रहे हो, बात कर रहे हैं जो डिब्रूगढ़ जेल के अंदर वारिस पंजाब के जथेबंदी दा मुखी है अमृतपाल सिंह और उसके साथी, वो जल्दी ही रिहा होने वाले हैं। आपको पहले ही बताया था जल्दी रिहा होने वाले हैं, बहुत से लोग कमेंट कर देते हैं जल्दी कब, चलो आज आपको डेट ही फिक्स बता देंगे, फिक्स डेट बता देंगे कब आ रहे हैं, फिक्स डेट। और हो सके तो अगली बार उसका इंटरव्यू भी दिखा देंगे बाहर आने के बाद, फिर देखना पूरी मीडिया फिर भाग जाएगी उसके सामने, माइक लगाएगी, गारंटी इस चीज़ की, सभी माइक लगाने भागेंगे, माइक लगाने नहीं जाएंगे भाई, करेंगे तो इंटरव्यू। अपने जो सवाल है आज फिर बता रहा हूँ आपको एक बार, अपने मन में एक ही सवाल है, उस सवाल का जवाब चाहिए उस बंदे से, उस सवाल का जवाब लेंगे जिस दिन बाहर आएगा उस दिन लेंगे। लेकिन आप सुनो पूरा मामला क्या है, उससे पहले जो साथी नया जुड़ता है ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल के ऊपर, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल बात हक और सच की करेंगे, वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आपकी है, हक और सच की बात करने की जिम्मेवारी हमारी है। आपको पता है अमृतपाल और उसके साथियों पर केस चला था, उन पर एनएसए लगाया और डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डाल दिया गया, डिब्रूगढ़ जेल के अंदर डाल दिया, उसके बाद पिटीशन लगाई, वकील साहब ने पिटीशन लगाई। आपको पता है उन्होंने एक एवियस कार पोस्ट पिटीशन लगाई थी, सबसे पहले अमृतपाल सिंह के वकील ने एक एवियस कार पोस्ट पिटीशन क्या होती है आपको इसका पता होना चाहिए। सबसे पहले तो एवियस कार पोस्ट पिटीशन होती है कि पुलिस ने हमारे बंदे को उठाया है, वो जिंदा है या नहीं है हमें शक है, हमें उस बंदे का पता होना चाहिए, तब बंदे को पहली बार लोगों के सामने किया गया था। एवियस कार पोस्ट पिटीशन लगाने के बाद तब सामने किया गया था लोगों के, पता हूँ बहुत सी बातों का आप लोगों को पता भी नहीं होता, अब और ज्यादा गहराई में बताने की कोई जरूरत नहीं है, इतना आपकी समझ में भी नहीं आएगा। ये होता है एवियस कार पोस्ट पिटीशन लगाना, उसके बाद फिर उनकी पिटीशन दायर की गई है, फिर चलती है गवाहियां चलती हैं, फिर मान योग अदालत ने समय दिया था पुलिस को कि आप सबूत पेश कीजिए इनका, क्या गलती है क्या गलती नहीं है। अब सुनिए पूरा मामला क्या चल रहा है, अजनाला थाने पर हमले के जो लगातार सबूत पेश हो रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताते हैं, जो लगातार सबूत अदालत में कार्रवाई चल रही, सबूत तो पेश होंगे। मामले में वीरवार को पुलिस ने अमृतपाल और उसके 20 साथियों के खिलाफ अजनाला अदालत देवित सबूत पेश किए। अजनाला थाने पर 250 बिना पहचान वाले मुलजिमों के खिलाफ भी केस किया गया, 250 आपने देखा होगा ना, नहीं देखा होता हमने देखा है, जैसे किसान आंदोलन हुआ था ना इसमें 2000 अनजान आदमियों के खिलाफ कर दिया, फिर उसमें किसी को भी उठाकर उसके अंदर डाल देते हैं, जेल के अंदर डाल देते हैं, हाँ तू भी वहां पे था चाहे वो बंदा हो या ना हो, ये होती है सरकारों की चाल। पुलिस के मुताबिक मुलजिम गुरपाल सिंह और कुछ लोगों के खिलाफ चलान दाखिल किया गया है अजनाला अदालत के अंदर, चलान दाखिल किया गया। पुलिस ने अमृतपाल सिंह के डिब्रूगढ़ जेल में होने के कारण कोई चलान पेश नहीं किया गया है, सप्लीमेंट्री चलान पेश किया जाएगा। फिर अदालत ने बताया कि आप सबूत पेश कीजिए कि ये सबूत है या नहीं है, आप सबूत पेश कीजिए कि जो एनएसए लगाया गया है वो एनएसए किस आधार पर लगाया गया। सबसे पहले तो आपको एनएसए का ही बता देते हैं, ये एनएसए का मसला भाई पंजाब के अंदर बहुत ज्यादा उठता है, एनएसए संविधान के अंदर है ही नहीं, ये कोई एक्ट ही नहीं है संविधान के अंदर, क्या पता आपको इस चीज का, भारत के संविधान के अंदर एनएसए है ही नहीं, ये अंग्रेजों का बनाया हुआ कानून है, जो ब्रिटिश सरकार ने कानून बनाया था एनएसए की, कोई भी उनको लगता था ये हमारे खिलाफ है उसको उठा के एनएसए लगा के, और हाँ उस समय पर भी जिस पे एनएसए लगता था उसको डिब्रूगढ़ जेल में ही डाला जाता था, इसको काला पानी बोला जाता था डिब्रूगढ़ जेल को, यह भी एक छोटा काला पानी था, काला पानी दूर था बिल्कुल, लेकिन यह काला पानी से भी 72 सजा थी, एनएसए लगा के डिब्रूगढ़ जेल में ही डाला जाता था अंग्रेजों के, अंग्रेजों वाला कानून अभी तक मान रहे हो फिर आप बोल रहे कि हम आजाद हैं, फिर हम आजाद कहां हैं। एनएसए दोबारा बता रहे हैं आपको, एनएसए जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान लिखा हुआ है उस संविधान के अंदर ऐसी कोई धारा है ही नहीं, आप ढूंढिए पहले आप ढूंढिए तब आपको पता लगेगा कि एनएसए तो उसके अंदर है ही नहीं, तो ब्रिटिश लोगों का बनाया कानून, फिर ये कैसे चल रहा है, अगर हम बोल रहे हैं एक तरफ तो हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं उसके बाद हम अंग्रेजों के बनाए हुए कानूनों के आधार पर चल रहे हैं, कानूनों के आधार पर चल रहे हैं क्यों भाई।
अब एनएसए लगता कब है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, भाई जो ये हो कि हाँ भाई ये तो पूरे देश के खिलाफ कुछ कर रहा है। उसके ऊपर आरोप क्या लगा था अमृतपाल सिंह के ऊपर, ये लगा था कि अजनाला थाने के ऊपर हमले का आरोप था। अजनाला कहां पे है, पंजाब के अंदर, फिर उसको पूरे देश से कैसे जोड़ दिया गया। अब आते हैं आपके भगवंत मान के ऊपर, मुख्यमंत्री भगवंत मान। भगवंत मान साहब, आपने बोला था कि इसके तो पाकिस्तान में संबंध है, वहां से एक बच्चे को बलाने फुलाने के 10-10 लाख रुपए लेता है। आप किसी भी पत्रकार ने अभी तक भगवंत मान से पूछा कि आपने इतना बड़ा आरोप लगा दिया, बोली दिल्ली की भाषा, दिल्ली की भाषा बोल ली कि बोली के नहीं बोली, बस दिल्ली से आदेश आया कि इसके ऐसे ऐसे बयान देने, वही बयान भगवंत मान ने दिए मीडिया के अंदर, वो बयान आज भी हैं और आपको बयान सुनाए थे, प्रॉपर तरीके से सुनाए थे, वीडियो अभी भी चैनल के ऊपर है वो। क्या भगवंत मान से दोबारा किसी ने पूछा कि आपने तो ये आरोप लगाए थे, अभी तक तो साबित नहीं हुए, बस ये फिल्में चला देता है, वो फिल्में लोग देखते हैं, हाँ बस ये बोल दिया भाई मुख्यमंत्री है। क्यों भाई मुख्यमंत्री है तो कल तक तो सबको पता है भाई दारू पी के कहीं पर भी पड़ा रहता था, अब ये मुख्यमंत्री हो गया तो ये धर्मराज का पुत्र हो गया, मतलब ये जो बोलेगा वही सच्चाई है, वही सच बोलेगा। ये नेता कोई कभी सच बोलता है, या फिर नेता से कभी दोबारा कोई पत्रकार सवाल करता है, सवाल करता है कोई पत्रकार दोबारा कि आपने ये झूठ बोली थी, क्यों बोली थी? अगर इनसे ये सवाल करने लग जाओ ना तो मैं ये कह रहा हूं जिंदगी में झूठ ही ना बोले। अगर एक पत्रकार पत्तल चाट ना बन के एक पत्रकार बने ना, जिसको चौथा स्तंभ बोला जाता है देश का, मीडिया को चौथा स्तंभ बोला जाता है, वो स्तंभ हमारे पास है ही नहीं, किसी के अंदर हिम्मत ही नहीं है किसी मंत्री मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति से पूछ ले कि आपने ये बोल दिया था, क्यों बोल दिया था, तब पता लग जाए हकीकत का। ये लोग इतने डर जाए पत्रकारों से, इसलिए डरते हैं, जो सच्चा पत्रकार होता है जो सच्चाई बोलता है ना उससे ये लोग डरते हैं, इसलिए खौफ खाते हैं कि हमारे से सवाल करेगा, सवाल करेगा ये हमारे से, लेकिन वो सवाल करने की हिम्मत नहीं आप लोगों, करेगा कोई भगवंत मान से सवाल? पंजाब की जितने भी बड़े से बड़े पत्रकार हैं, कर सकता है भगवंत मान से कि आपने तो बोला था इसके पाकिस्तान के संबंध साथ संबंध है, लेकिन वो तो नहीं हुए, साबित नहीं हुए। अगले 4 दिनों में बाहर आ रहे हैं, वो यही बोल रहे ना आप पंजाब की मीडिया कि अगले 4 दिन में बाहर आ रहा है, आपने तैयारी भी कर ली कि आप क्या क्या सवाल करोगे उससे। आज फिर आपको एक चैलेंज कर रहा हूं, आप वो सवाल अमृतपाल से कर ही नहीं सकते जो सवाल करना चाहिए, करना चाहिए जो सवाल, वो सवाल आपके पास है ही नहीं। जिस दिन आमना सामना होगा उस दिन वो सवाल भी करके दिखाएंगे, वो सवाल करके दिखाएंगे और उस दिन उसका रिएक्शन भी चेक करेंगे, हाँ भैया तेरा रिएक्शन बता दे क्या है, ठीक है ना, बोल रहे हैं लगातार बोल रहे हैं आपको बता रहे हैं, अगले 4 दिनों में आ रहे हैं बार, अमृतपाल सिंह की बात हो रही है, कहीं आप ये समझ जाओ, वो आ रहे हैं बार आ रहे हैं। अब देखना फिर ये पूरी पंजाब की मीडिया या गोदी मीडिया, फिर इनके सुर चेंज हो जाते हैं, सुर बदली हो जाते हैं इनके, एकदम से अचानक से सुर बदली हो जाते हैं। भगवंत मान साहब के पास बैठा के इंटरव्यू लो ना उनका, कि भगवंत मान साहब तो कह रहे देश के पाकिस्तान के साथ संबंध है, वो तो नहीं निकले, एक बंदे के 10-10 लाख रुपए मिलते हैं, फिर वो पैसे कहाँ पे है, कुछ साबित होया? कुछ भी साबित नहीं हुआ, कुछ भी साबित नहीं हो सका। जल्दी रिहा हो रहे हैं भाई, सवाल हम भी करेंगे, अगर कभी आमना सामना होया तो पक्का सवाल करेंगे, और उस दिन देखना आप सवाल कैसे किए जाते हैं। पत्रकार बनो, पतल चाट मत बनो, गोदी मीडिया भांड मीडिया, कभी तो मीडिया वाला धर्म निभा दो, कभी तो फर्ज निभा दो मीडिया वाला। अब देखना 1-2 दिन के बाद अचानक से न्यूज चलने वाली है, सरकार ने छोड़ दिया अमृतपाल को, सरकार ने ये दया दिखा दी। मेरे को पता आप जो सेट करना चाहते हो ना उस सेटिंग का आपके पहले ही पता है, इसलिए हम पहले ही बता देते हैं कि वो रिहा हो रहे हैं 4 दिन के बाद, गोदी मीडिया 1-2 दिन के बाद शुरू करेगी अपना ड्रामा, ये आपको पहले बता देता है। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों, ताकि नोटिफिकेशन आपके पास पहुंचता रहे। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे, वीडियो को शेयर आप करना। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।